हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आयोग का सभी छुंगे और इंग्लिश के पेपर आप लोगों का काफी बात करें तो इजी आया था। देखो ग्रामर सेक्शन पूरा आप लोगों को तैयार कराया था, उसके बाद फिर आपका बात करें चाहे वो लेटर हो, उसके बाद फिर आपका पैराग्राफ हो, वो सब आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा था कि कैसे आपको लिखना है। और पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड कराई थी ताकि आप लोग एक उसका सैंपल समझ सके कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है और कैसे आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। काफी इजी आया था पेपर, तो पूरा इसका रिव्यू करेंगे और हर एक क्वेश्चन के आंसर को हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो इसका नेक्स्ट अगला जो पेपर शायद जो जिन बच्चों के पास संस्कृत है वो संस्कृत का है, और इसके अलावा जो नेक्स्ट पेपर होना है वो आपका एसएसटी का पेपर है, तो उनके भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे आएंगे, वीडियोज भी आएंगी। और जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए वो पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं। तो इसका टोटल रिव्यू करते, देखो इंग्लिश में ऐसा रहता है कि इंग्लिश में आपने एक जैसे लेटर देख लिया कि लेटर का पैटर्न क्या है। मैंने उसमें आपको क्लियरली बताया था कि अंदर का मैटर आप जो भी लिख करके आपको मार्क्स मिलते हैं, बस ऊपर का जो पैटर्न है वो आपका ठीक होना चाहिए, बाकी और भले अंदर आप क्या लिख करके आ रहे हैं। ठीक है, तो वन बाय वन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। आप पेपर देख पा रहे हैं 2024 इंग्लिश का है, काफी अच्छा पेपर आया था। तो फर्स्ट नंबर यहाँ पे मैं पैसेज नहीं पढ़ूंगा ना टाइम वेस्ट करूंगा, सीधा आंसर पे चलते हैं कि आपको कहाँ से किसका आंसर मिलना था। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसमें, व्हाट हैज इंडिया विटनेस्ड इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। ठीक है, इसका आपको आंसर जो मिलना था वो फर्स्ट लाइन में इसका आंसर था। अगर आप इसका देखेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इन द लास्ट फ्यू ईयर्स इंडिया हैज विटनेस्ड अ डिग्रेडेशन ऑन ए डेंस फॉरेस्ट कवर एट एन अनप्रेसिडेंटेड रेट। बस यहीं तक आप लिख करके आते हैं, आपका एक नंबर का था, एक नंबर यहाँ पर आपको इजिली मिल जाता। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ कैन फॉरेस्ट बी रीडिफाइंड। तो बी नंबर है इसका, जो सेकंड का आंसर आपको मिलना था वो आपको मिल जाएगा सेकंड के पैराग्राफ में स्टार्टिंग में, यहीं से आपने स्टार्ट करना था। देर इज नीड टू रीडिफाइन फॉरेस्ट एंड हाउ टू मेजर देम। ठीक है, यहाँ से आपने स्टार्ट करना था और आपने कंप्लीट इकोसिस्टम तक लिखना था। ठीक है, इसके अंदर देखो जो ये आंसर है ये आपको एक एक्यूरेट जो इसका आंसर है वो एक्यूरेट तो आप यहाँ पर नहीं दे सकते थे क्योंकि क्लास 10th में, और इतना भी हमारा माइंड नहीं होता है शार्प कि हम एक क्वेश्चन के आंसर को बिल्कुल उसके आंसर की तरह अकॉर्डिंग दे पाए। बट अगर आप यहाँ से देयर से स्टार्ट करा है या फिर रेदर देन से स्टार्ट करा है और इको सिस्टम से लिख करके आए हैं, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, क्योंकि दो नंबर का तो थोड़ा लेंथी लिखना था, सी नंबर है, वाई इज देयर अ नीड फॉर न्यू पॉलिसी फॉर्मेशन। थर्ड नंबर है, थर्ड वाले का अगर हम आंसर की बात करें तो यहाँ पे देयर यहाँ से देखो स्टार्ट हो जाएगा थर्ड पैराग्राफ से ही, देयर इज नीड फॉर न्यू पॉलिसी फॉर्मेशन टू प्रोवाइड एन ओवर आर्गिंग फ्रेमवर्क एंड डायरेक्शन फॉर द मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, यहाँ से आपने कंप्लीट लिखना था फॉरेस्ट तक, तो ये आपका कंप्लीट होता है क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन था, इतना काफी है। डी नंबर है, व्हाट इज रोम एंड व्हाई इट शुड बी एडॉप्टेड। तो इसका आपने आंसर जो स्टार्ट करना था वो आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ से देखो लास्ट जो सॉरी तीसरा पैराग्राफ है इसमें, द रिस्टोरेशन अपॉर्चुनिटीज असेसमेंट मेथोलॉजी मेथोडोलॉजी रोम, देयर इज नीड टू रिडिफाइंड अ फॉरेस्ट एंड सॉरी यहाँ से नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, फ्रेमवर्क कुड बी अडॉप्टेड। ये आपका पूरा कंप्लीट आता लास्ट तक क्योंकि दो नंबर आपको देना था, तो रिस्टोरेशन तक आपका ये कंप्लीट आता। ठीक है, ये दोनों लाइन आपने यहाँ पर लिखनी थी। और उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट जो आपने देखना है, तो ये दो नंबर का था क्वेश्चन, इसमें आपको थोड़ा लेंथी लिखना था, तो लेंथी आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आके अगले, देखो इसमें देखो मेन होता है कि टीचर की इस बच्चे के अंदर कितनी माइंड पावर है कि आंसर कितना एक्यूरेट ढूंढ पाता है या फिर लिख पाता है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे करके आए हैं तो आपको यहाँ पर मान के चले 2 4 5 6 नंबर का है, तो 6 में से आपके 5 नंबर यहाँ पर 100% आपके हो जाते हैं अगर आप इतना करके आए हैं। ठीक है, बाकी टीचर के उस पर है कि वो कितना यहाँ पर आपको देता है, मतलब मिनिमम 5 नंबर पक्के हैं आपके। दूसरे वाले में भी सेम था, यहाँ पे बस आपको थोड़े से फिल इन द ब्लैंक्स कह रहा हूँ, थोड़े आपको टिक मार्क भी दे रखे थे। तो इसके आंसर की बात करें तो सीधा क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, हाउ डज अ मेल सॉन्ग बर्ड सच एज एन एज अ नाइट एंगल अट्रैक्ट द फीमेल बर्ड। ठीक है, नाइट एंगल अट्रैक्ट द फीमेल बर्ड, इसका देखो दो नंबर का क्वेश्चन आ रखा है, दो नंबर का थोड़ा लॉन्ग में जाना है, तो इसका यहाँ से स्टार्ट करना है वी वॉच। ठीक है, यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें, वी वॉच अ मेल सॉन्ग बर्ड सच एज अ नाइटिंगेल अर्ली इन द मॉर्निंग इन अर्ली स्प्रिंग वी शॉल नोटिस दैट इट इज अलोन एंड हैज नॉट येट गॉट अ मेट। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना था आपको, लास्ट अट्रैक्ट फीमेल्स तक कंप्लीट करना था, दो नंबर का थोड़ा लेंथ लिखना था। नेक्स्ट, उसके बाद अगर हम बात करें, हाउ डज अ मेल ग्रे हेरॉन अट्रैक्ट द फीमेल हेरॉन। ठीक है, बी नंबर है इसका, अगर हम आंसर की बात करें तो ये आपको सेकंड पैराग्राफ में मिल जाएगा इसका आंसर,
सेकंड पैराग्राफ में आपको ये देखने को मिलेगा, ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ में ए से, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ए मेल ग्रे हीरोन, यहीं की मिलना चाहिए, ये रहा आपका। ए मेल ग्रे हीरोन गिव्स अ लाउड हॉर्स क्राई एवरी हाफ मिनट्स और सोल एज लॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ से आपका स्टार्ट होता है ये, और ये कंप्लीट जाता है फीमेल हीरोन्स तक। यहाँ से आपने ये करना था, ठीक है। ये एक आपकी एक पूरी लाइन आ जाती है, उसके बाद नेक्स्ट आपकी एक पूरी एक लाइन आ जाती है, कंप्लीट। ये वाला आपका कंप्लीट होता है आंसर इतना। नेक्स्ट उसके बाद था सी नंबर, व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर इज द सेकेंड फंक्शन ऑफ द सॉन्ग। सी नंबर है इसका जो आंसर आपका है वो थर्ड पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा। द सॉन्ग हैज अ सेकेंड फंक्शन एज वेल, इट सिग्नल्स द प्रेजेंस, सॉरी इट सिग्नल्स द प्रेजेंस ऑफ मेल्स टू अदर मेल्स मोस्ट। ये आपका यहाँ से कंप्लीट होता मेलेडियस कॉल तक, ठीक है। यहाँ तक आपने पूरा आंसर लिखना था, दो नंबर का था तो आपको कंप्लीट करना था। इसी के नीचे सॉरी एक नंबर का था, फिर उसके बाद नेक्स्ट इसी के नीचे, हाउ डज अ मेल बर्ड रिस्पॉन्ड टू सॉन्ग ऑफ अनदर मेल बर्ड। तो इसका देखो एक नंबर में आपको शॉर्ट में देना था, यहाँ पे सिर्फ सिग्नल्स आता है कि मतलब जो है सिग्नल्स देते हैं दूसरे को। यहाँ से देखो इट सिग्नल्स, वहां पे आपने सिंपल लिखना था इट सिग्नल्स द प्रेजेंस ऑफ मेल्स टू अदर मेल्स, बस इतना लिख करके आना था, एक नंबर आपको यहाँ पर इजिली मिल जाता। उसके बाद फिर आपका ई नंबर में आपको दो दे रखे हैं, यहाँ पे आपको देना है टिक करना है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स अपीयर्स, ठीक है। अपीयर्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी सेम्स। सेकेंड है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ लेट, लेट का हो जाएगा यहाँ पे क्या अर्ली, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है आपका एफ नंबर, इसमें पूछा है इन गिवन पैसेज द वर्ड मेलेडियस मीन्स, ठीक है। इसका आ जाएगा डी नंबर प्लेजेंट टू लिसन टू। फिर सेकेंड नंबर द अपोजिट ऑफ द वर्ड फीमेल गिवन इन द पैसेजेस, तो फीमेल का सिंपल है क्या हो जाएगा मेल, ये आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आपका सेक्शन बी, जिसमें आपको एक लेटर लिखने के लिए आया था, तो लेटर इसमें आपको यू आर प्रदीप पूजा लिविंग एट स्वास्तिक प्लाजा बंजार बंजार वाला सॉरी बांजरा वाला देहरादून, द रेजिडेंस ऑफ योर कॉलोनी आर वेरी मच डिस्टर्ब अबाउट द होपलेस स्टेट ऑफ ड्रेनेज, राइट अ लेटर टू द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द म्यूनिसिपलिटी देहरादून टू गेट द सिचुएशन इम्प्रूव बिफोर द मानसून। इससे रिलेटेड आपको एक लेटर दे रखा था, यानी सिंपल आपको लिखना था कि आप किसको लिख रहे हैं, पहले आपका वो आ जाता है एड्रेस, उसके बाद फिर आप किसको लिख रहे हैं वो अपने, उसके बाद फिर डेट, फिर आप किसको लिख रहे हैं वो, फिर आपका एक सब्जेक्ट आ जाता है, सब्जेक्ट आपको इसमें दे रखा है, फिर उसके बाद डियर सर करके या फिर सर करके आपने पूरा अंदर लिख देनी थी जो भी आपकी फीलिंग्स थी, याद आपको इसी के अंदर मिल जाता था। ये आपने कंप्लीट किया होगा छह नंबर का। इसी के नीचे रखा है यू आर वैभव विशाखा लिविंग इन हॉस्टल सेंट फ्रैंकलिन स्कूल नैनीताल, योर स्कूल हैज ऑर्गेनाइज एंड एजुकेशनल टूर टू चमोली ड्यूरिंग समर हॉलीडेज, मतलब आपका स्कूल की जो छुट्टियां हैं समर वेकेशन, ठीक है, उसमें आपका स्कूल क्या ले जा रहा है घूमने के लिए, एजुकेशनल टूर ले जा रहा है घुमाने के लिए। राइट अ लेटर टू, आपने अपने पिता को पत्र लिखना है सीकिंग हिज परमिशन फॉर द टूर, अपने पिता की आज्ञा लेने के लिए, तो रिलेटिव्स में लिखना था डियर फादर करके आपको दे देना था, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको दिखा दिया था कि अपने उसमें मैंने आपको भाई से रिलेटेड आपको दिखाया था, बट आप यहाँ पर फादर के सेम भाई की जगह फादर कर देते, बाकी पूरा डिटो लिखना था। फिर उसके बाद है राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन, आपको 60 शब्दों में लिखना था इनमें से किसी एक टॉपिक पर, माई फेवरेट बुक है, माई प्लान फॉर हॉलीडेज, माई ग्रैंड मदर, तो तीन टॉपिक आपको मिले थे। तो आई होप कि ये तीनों टॉपिक ही बहुत ज्यादा ईजी थे, फेवरेट बुक से रिलेटेड मैंने आपको पीडीएफ में दे रखे थे क्वेश्चन, क्वेश्चन यानी टॉपिक दे रखा था, तो माई फेवरेट बुक पर आप सभी लिख करके आए होंगे, 60 शब्द काफी होते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑन द हिंट गिवन, देखो यहाँ पर अगर आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख के आए हैं, आप ये मान के चलो चार नंबर, चार में से तीन नंबर आपके कहीं भी नहीं गए, तीन नंबर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, भले ही आप कितना उल्टा सीधा लिख करके आए हो, बट रिलेटेड लिखते होने चाहिए, मतलब इंग्लिश में टूट फूट चलेगी, रिलेटेड होना चाहिए। पांचवा यहाँ पे एनुअल डे ऑर्गेनाइज इन माई स्कूल, बहुत सिंपल टॉपिक था यहाँ पर जो आपको हिंट गिवन थे कि आपको डेट दे रखी है, चीफ गेस्ट कौन आया था, वेलकम किसके द्वारा, प्रिंसिपल और स्टाफ के द्वारा वेलकम किया गया, फंक्शन स्टार्ट हुआ, कल्चरल प्रोग्राम हुए, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, स्पीच ऑफ चीफ गेस्ट हुआ, वर्ड ऑफ थैंक्स बाय सीनियर टीचर्स, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स पॉइंट्स आपको यहाँ पर कवर करने थे इनके अंदर, इनके अंदर तो 5 नंबर है और बहुत इजी, देखो आपका ये टॉपिक मिला था, तो एनुअल स्पोर्ट डे या फिर एनुअल डे पर आप इस लिस्ट पर बना सकते थे। मेन होता है आपका सेक्शन सी ग्रामर, यहाँ पे बच्चों को जब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है कि इनका सही आंसर क्या है, तो देखो ये लगभग ग्रामर का सेक्शन आप मान के चलिए सारा सेम टू सेम पीडीएफ में से ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर मैंने जब आपको एक्सप्लेन किया था वहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था अगर पहले जगह खाली है तो सिंपल आईएनजी लगा देना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डांसिंग, क्या हो जाएगा डांसिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। फिर है यू आर टू यंग टू क्लाइंब दिस ट्री, ये आपके जो तो आपके वहीं से आए हैं पीडीएफ में से, वुड यू लाइक टू गो विथ मी,
हो जाएगा। फिर है हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क ही वेंट आउट फॉर अ स्ट्रॉल, ठीक है यहाँ पे आ जाएगा कंप्लीटेड। नेक्स्ट करते हैं 7 नंबर, देखो कंबाइन द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंसेज यूजिंग सेंटेंस कनेक्टर गिवन इन द ब्रैकेट्स। टेक द ब्लेसिंग ऑफ योर एल्डर्स गो टू वर्क, मतलब अपने बड़ों की आज्ञा आज्ञा कह रहा हूँ, अपने बड़ों से आशीर्वाद लेना चाहिए, और गो टू वर्क यानी काम पर जाते समय। तो बिफोर लगाना है, यानी अगर हम इसको दो तरह से कर सकते हैं वैसे, जैसे बिफोर गो टू वर्क यानी काम पर जाने से पहले, बिफोर गो टू वर्क टेक द ब्लेसिंग ऑफ योर एल्डर्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक, ये आप ये बना सकते थे इसमें, तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। फिर टेक द ब्लेसिंग ऑफ एल्डर्स बिफोर गो टू वर्क, तो दोनों आपके एक्यूरेट हैं, बिल्कुल आपको मार्क्स मिलेंगे वहां पर अगर आप दोनों में से कोई करके आए। बी नंबर है ही सा थीफ, ही सा थीफ, ही कॉल्ड द पुलिस इमिडिएटली, उसने चोर को देखा और उसने पुलिस को जल्दी से बुला लिया। तो इसका अगर आप बनाना चाहें तो इसमें अगर देखें तो ये बन जाएगा एज सून एज ही कॉल्ड द पुलिस इमिडिएटली ही सा थीफ, या फिर ही सा थीफ एज सून एज ही कॉल्ड द पुलिस इमिडिएटली, इसमें आपको एक नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें आ जाएगा माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, दिस इज सर्टेन। अब आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, इट इज से, तो यहाँ से देखो आपका दिस हट जाएगा, इट इज आ जाएगा, इट इज सर्टेन दैट माउंट एवरेस्ट इज हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, सिर्फ आपने यहाँ पर दैट लगा दिया, दोनों ही आपके दोनों दैट वाले हैं। नेक्स्ट है शेक्सपियर इज अ ग्रेट ड्रामास्टिक्स वी नो इट, तो अब आपको स्टार्ट करना है वी नो दैट शेक्सपियर इज अ ग्रेट ड्रामास्टिक्स, ठीक है ये आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे आपको फिल करनी है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, सारे टॉपिक मैंने आपको कवर कराए थे वीडियो में भी और पीडीएफ में भी। तो यहाँ पे आ जाएगा सम चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इन द गार्डन, दे कंप्लीटेड दियर होमवर्क, लिटिल बिबू हैज नॉट येट फिनिश्ड हिज असाइनमेंट, तो ये आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग सुटेबल मॉडल्स, अब आपको मॉडल भरने हैं, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, ठीक है शी इज सो वीक दैट शी कुड नॉट रन फास्ट, ठीक है वह कमजोर है इसलिए वह भाग नहीं सकती। नेक्स्ट है आपका रीअरेंज करना था, तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। और सेकेंड वाला है, सेकेंड में आ जाएगा सबसे पहले आपका आ जाएगा द, ठीक है उसके बाद आएगा द कंटेंटमेंट, ठीक है द कंटेंटमेंट की सॉरी द कंटेंटमेंट आ जाएगा सेकेंड नंबर पे, द कंटेंटमेंट इज की टू हैप्पीनेस, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे आ जाएगा, देखो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा द, सेकेंड पे कंटेंटमेंट, थर्ड पर इज, ठीक है द कंटेंटमेंट इज, और उसके बाद फोर्थ नंबर पे आ जाएगा की, और उसके बाद फिर टू हैप्पीनेस, द कंटेंटमेंट इज की टू हैप्पीनेस, ठीक है ये आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना था, द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग क्रिकेट, तो इसका हो जाएगा क्रिकेट इज बीइंग वाज प्लेड बाय, सॉरी क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय द स्टूडेंट्स, ठीक है क्रिकेट आ जाएगा, क्रिकेट बीइंग वाज, सॉरी वाज नहीं आएगा इसमें क्योंकि दो मैंने आपको उसमें बनाए थे, बट जो इसका करेक्ट है वो है क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय द स्टूडेंट्स, ठीक है ये आपका सही हो जाएगा। सेकेंड वाला इसमें आई साल लर्न द पोएम इजली, तो देखो इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा द पोएम शुड इजली लर्न बाई मी, ठीक है द पोएम शुड इजली लर्न बाई मी, ये आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ से देखो ये आपका अनसीन पैराग्राफ आ रखा, और ये जो आपका पैराग्राफ आ रखा था वो था आपका द यंग सीगल वाली स्टोरी से, हिज फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सीधा क्वेश्चन भी चलते हैं, ये आपको कुछ याद होना चाहिए था, कुछ आपको इसके अंदर मिल जाएंगे आंसर। तो जैसे फर्स्ट है हुज पेरेंट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर लैंडेड ऑन द ग्रीन फ्लोरिंग, तो किसके भाई बहन उस ग्रीन फ्लोरिंग पर लैंड हुए थे या उतरे थे, तो द यंग सीगल आ जाएगा यहाँ पे सिंपल सा आंसर, द यंग सीगल्स पेरेंट्स ब्रदर एंड सिस्टर लैंडेड ऑन द ग्रीन फ्लोरिंग। सेकेंड है व्हाट डिड ही डू टू स्टैंड ऑन ग्रीन सी, तो यहाँ पे सिंपल आ जाएगा इसी पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा आंसर, ही फ्लैप्ड हिज विंग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, ठीक है यहाँ पे देखो आ जाएगा यहाँ पे लिखा हुआ फ्लैपिंग हिज विंग्स, तो यहाँ पे आ जाएगा फ्लैप्ड मतलब उसने अपने पंख खोले, फ्लैप्ड मतलब फड़फड़ाए, हिज विंग्स यानी पंख, ठीक है पंख अपने फड़फड़ाए इस पर रुकने के लिए स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, तो ये आपका आंसर हो गया। सी नंबर है व्हाट हैपेंड टू हिज फीट,
ठीक है, उसके पैरों के साथ क्या हुआ, तो इसका आंसर भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। हिज फीट सिंक होने मतलब डूबने लग गए थे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे या कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। हिज फीट सैंक इन टू द ग्रीन सी, बस यहाँ से आपका हिज फीट सैंक इन टू द ग्रीन सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फाइंड अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स लाउड, लाउड यानी जोर से, ठीक है, लाउड मतलब बहुत तेज या बहुत जोर से, तो यहाँ पर सिंपल इसका आंसर हो जाएगा क्या, स्क्रीम। ठीक है, स्क्रीम्ड हो जाएगा इसका आंसर है। स्क्रीम्ड का मतलब क्या होगा, बहुत तेज से चीखना या चिल्लाना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, 30 नंबर इसमें दे रखा है, ये आपका वो कीसा गौतमी वाला चैप्टर है जिसमें गौतम और एक वो महिला की पूरी कन्वर्सेशन जो होती है। अब इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज ही इन द पैसेज, ही कौन है, गौतम बुद्ध आ जाएगा सिंपल। ठीक है, गौतम बुद्ध। सेकेंड है, वेन वॉज ही एनलाइटेंडेड, ठीक है, तो इसका अगर हम आंसर की बात करें तो आपको मिल जाएगा यहां से, देखो अगर आप स्टार्ट करेंगे ही वंडर्ड फॉर 7 ईयर्स, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, एनलाइटेंड आफ्टर 7 डेज ही रिनेम द ट्री द बोधि ट्री। ठीक है, तो यहाँ से आप स्टार्ट करके अंडरस्टैंडिंग तक ले सकते हैं। अब बाकी 1 नंबर का था, तो फर्स्ट लाइन से लेकर के आप बस बोधि ट्री तक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करें, व्हाट डज बोधि ट्री मीन, 1 नंबर का है, बोधि ट्री का मतलब बताना है ट्री ऑफ विजडम, सिंपल आपका ये शब्द आ जाएगा वहां पर, ट्री ऑफ विजडम। डी नंबर है, यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी का आपको बताना है विलोम शब्द, तो ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आप लोग क्या लिख करके आए हैं, ये क्वेश्चन का आंसर आपको आप लोगों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, तो इसके आंसर मैंने यहाँ पर पीडीएफ से ले रखे हैं, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, जो बच्चे अगर करके आए हैं मिलता जुलता तो आपको यहाँ पर पूरे मार्क्स मिल जाते हैं, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया जो भी हमने देखा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको लेके चलता हूँ, अगला जो क्वेश्चन है इसमें इसमें आपको दोनों में से एक करना था, बट मैं आपको अथवा वाला दिखा देता हूँ। अथवा वाला जो क्वेश्चन था, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, यानी पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे क्यों भेजे, वाई डज ही साइन द लेटर गॉड, और उसने भगवान का साइन क्यों किया, तो इसका आंसर भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये आपका आ जाएगा, देखो क्वेश्चन है और ये नीचे आपको पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है कि क्यों उसने भेजा। ठीक है, इसको आप पढ़ लेंगे जो बच्चे इसका आंसर देखना चाहते हैं। ठीक है, तो इसको आपने यहाँ से कंप्लीट करना है। ठीक है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन इसमें जो आपको पूछा हुआ है, अब क्वेश्चन नंबर 15 है और ऊपर वाला क्वेश्चन 5 नंबर का था। नेक्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ चुपकोव, यानी चुपकोव के बारे में आपको एक थोड़ी सी जानकारी देनी थी। अगर मैंने इसमें आपको क्या कहा था कि स्टोरी पढ़ के जाइए, आपने बस ट्रांसलेट करके लगना है, तो चुपकोव के बारे में आपने एक समरी लिखनी थी, तो पढ़ लेना है कि चुपकोव कौन था, उसका बिहेवियर कैसा था और कौन कौन थे उसके साथ, तो ये आपने यहाँ पर पूरा इसका डिटेल आंसर पढ़ लेना है। नेक्स्ट है आपका, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द प्ले ऑफ द प्रपोजल, ठीक है, प्रपोजल जो आपने चैप्टर पढ़ा है उसके बारे में आपने थोड़ा सा बताना है, जस्टिफाई करना है, यहाँ से आपने पूरा पढ़ना स्टार्ट करना है और पूरा ये आपको लिखना था अच्छे से बना करके, तो ये आपने कंप्लीट यहाँ से आप इसका मैच कर सकते हैं कि आप रिलेटेड लिख करके आए या नहीं आए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16, इसमें आपको बताना है, आपको ये दे रखी एक पोयम, ठीक है, इसमें आपको बोला है नेम द पोयम एंड द पोएट, ठीक है, फॉरेस्ट वाला ये आपका चैप्टर है, तो इसका आंसर देख लेते हैं, तो इसके आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो फर्स्ट वाली बच्चों जो पोयम है इसमें मैं आपको बता देता हूँ, इसमें देखो नेम द पोयम एंड द पोएट पूछा है, तो ये आपकी इसका मैं बुक में भी दिखा देता हूँ आपको, तो द ट्रीज इसका नाम हो गया और जो इसके पोएट है वो है एड्रेनिन रीच आ जाएगा। ठीक है, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका था कितने नंबर का, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्वेश्चन पेपर पर वापस लेके चलता हूँ, 1 नंबर था, वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। फिर है, व्हाट इज द पोएट डूइंग एट द मोमेंट, जो पोएट था वो इस मोमेंट पे क्या कर रहे थे, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, तो ये इसका एक आंसर हो जाएगा। और 3 नंबर है, हाउ इज द नाइट, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, द नाइट इज फ्रेश, द होल मून शाइन्स इन अ स्काई स्टिल ओपन, तो बस आपने इतना लिख देना था, 1 नंबर आपको मिल जाता है, क्योंकि हम यहाँ पर इतने बड़े विद्वान नहीं है कि हम इसका एक एक्यूरेट आंसर लिख करके आए, जो हमको समझ में आ रहा था वो हम लिख करके आए हैं, लगभग 80% बच्चे यही करके आए होंगे, तो अगर आप इतना करके आए आपको मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये अमंडा वाला है, तो ये भी आप लोगों ने पढ़ रखी है, नेम द पोएम एंड द पोएट बताना था, तो ये आप लोग करके आए होंगे। नेक्स्ट आपका 17 नंबर, 2 के आंसर देने थे 3 में से, तो यहाँ पे फर्स्ट है, व्हाट डू पीपल से अबाउट द एंडिंग ऑफ द वर्ड, व्हाट डज द पोएट थिंक, तो इसका आंसर मैं दिखा देता हूँ, ये आपका क्वेश्चन हो गया और इसका आंसर आप यहाँ पे ये पढ़ सकते हैं, तो अगर आप रिलेटेड लिख कर गए हैं आपको मार्क्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट आपका, हाउ डिड द ड्रैगन लुक इन द अपीयरेंस,
ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन, इसका आंसर ये आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका, व्हाट हैपेंड व्हेन द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन द पोएट, तो ये सी वाला आंसर हो जाएगा इसका, और इसका आंसर आपको यहाँ पर ये दे देगा कंप्लीट, ठीक है। उसका नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला जो क्वेश्चन है सप्लीमेंट्री रीडर से, आपके यहाँ पर टोटल तीन क्वेश्चन थे। फर्स्ट है, हाउ डिड द नेटर फाइंड अनिल्स एज अ मैन एंड एज एन एम्प्लॉयर, तो इसका आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन होगा आपका, और ये नीचे इसका आंसर देगा, इसको आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लेके चलता हूँ, वट मेक्स यू थिंक्स दैट ग्रिफिन वॉज अ लॉलेस पर्सन, इसका आंसर देख लेते हैं, ये कंप्लीट आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ग्रिफिन वॉज रेदर अ लॉलेस पर्सन, इसका आप यहाँ से पूरा कंप्लीट आंसर पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है इसी में 19 नंबर, आपको दो मतलब दे रखे हैं, दो में से कोई एक करना था। हु वॉज हॉरेंस डैम्बी एंड वट काइंड ऑफ अ पर्सन वॉज ही, और किस तरह का वो व्यक्ति था, तो इसका आंसर आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, हॉरेंस डैम्बी के बारे में, हॉरेंस डैम्बी के बारे में कंप्लीट आपको यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगले प्रश्न पर लेके चलता हूँ, व्हाई डिड फॉलो वांट टू मीट ऑजबल, वाई वॉज ही डिसअपॉइंटेड, तो इसका आंसर देख लेते हैं, ये आपको कंप्लीट यहाँ पर दिया है क्वेश्चन, और ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला इसी में, दोनों में से कोई एक देना है, व्हाट वाज द कॉज ऑफ मटिल्डास रुइन, हाउ कुड शी हैव अवॉइडेड इट, तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, पीडीएफ से आया हुआ क्वेश्चन कंप्लीट, तो इसका आंसर आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इसी के अथवा मैं आपको क्वेश्चन दिया है, व्हाई इज मिसेस फम्परी वरीड अबाउट ट्रिकी, तो ये क्वेश्चन भी आपको पीडीएफ में ही मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप इसका कंप्लीट देख पा रहे हैं। आई होप बच्चों पूरा सॉल्यूशन आप अच्छे समझ गए, हो सकता है कि कोई एक दो क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत इधर देखने को मिले, तो बच्चों के कमेंट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, ये नहीं कि बच्चे ये देखते हैं कि सर ने 99% एक्यूरेट बताया है, 1% हो सकता है थोड़ा इधर से उधर, बच्चे कमेंट करता है सर आपने ये वाला गलत बताया, ठीक है, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, और देखो आप लोगों को सॉल्यूशन एक एक क्वेश्चन का दिया है। तो अब नेक्स्ट जो पेपर है उसकी तैयारी करनी है अच्छे से, संस्कृत का पेपर बचा है और SST का, तो वो वीडियोस भी जल्दी आने स्टार्ट हो जाएंगी। बाकी जो बच्चे PDF लेना चाहते हैं, कोई भी वीडियोस आप ओपन कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट की प्रीवियस जो हम बता चुके हैं, या फिर आने वाली वीडियो में भी आपको पूरी प्रोसेस पता चल जाएगी PDF आप कैसे ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले सब्जेक्ट के प्रिपरेशन के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेस फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम, और कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आज का पेपर कैसा गया और कितनी परसेंट आपकी बन रही है।